नमस्कार दोस्तों, रिया की दावत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बनाने जा रही हूँ, जो दो तरह से बनाऊंगी, एक ओवन में और एक पैन में बनाऊंगी। तो देखिए, चलिए मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोग देखिए और बना के एंजॉय कीजिएगा आप लोग भी। देखिए, सबसे पहले मैंने पैन को गर्म किया है। मैं दो तरह से बनाऊंगी, एक तो वेज रहेगा, एक अंडे वाला बनाऊंगी। तो एक अंडे वाला और एक जो हमारे पास जो सब्ज़ी होती है, हरी सब्ज़ी होती है, वो सारे डाल के बनाऊंगी, ताकि आसानी से लोग अपने अपने घर में बना के खाएं। अगर अंडे ना हो तो बहुत सारे सब्ज़ी होती है घर में पड़ी हुई, तो उसे बना के खा लेंगे। सबसे पहले मैं 2 चम्मच बटर लूँगी। बटर पिघल जाएगा, उसके बाद मैं सब्ज़ी को फ्राई करूंगी। मैं सबसे पहले मैं आलू फ्राई करूंगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा देर में पकने वाला आलू को पहले मैं डालूंगी। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा मैं नमक डाल रही अब इसे थोड़ा सा ढक के पकाऊंगी, ताकि ये अपने भाप में ये पक जाए जल्दी। अब देखिए ये थोड़ा होने लगा है ब्राउन कलर का, तो आलू अब हमारा फ्राई हो गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया। तो अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। ये देखिए आधा प्याज इसमें डाल देती हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा ये हमारा प्याज भी होने लगा पिंक सा। ये डाल पत्ता गोभी है, ये डाल देती हूँ जरा क्रश करके। सभी लोग अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डालना भूल गई थी, तो डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा तो इसका और भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा इसमें। थोड़ा शिमला मिर्च है, इसको भी डाल देती हूँ। हमारे पास टमाटर है, इसे भी डाल दूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ, 2-4। थोड़ा सा पनीर है हमारे पास, तो मैं पनीर भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा काली मिर्च और जीरा, थोड़ा सा रेड मिर्च का फ्लेक्स है ये, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाली हूँ, और मैं थोड़ा ओरिगैनो डाल लूंगी। देखिए ओरिगैनो में आधी चम्मच डाली हूँ, तभी अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। सोया सॉस और ये विनेगर है वाइट वाली, सिरका। मैं इसमें अब पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। देखिए 1.5 चम्मच मैं पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी इसमें। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब धनिया डाल लेती हूँ, हरी धनिया मेरे पास है, ये डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब मैं इसमें अंडे का बनाऊंगी। मैंने 1 चम्मच भर के
बटर ली हूँ, ये पिघल जाएगा। तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। मैं देखिए डालूंगी, ये देखिए प्याज है, देखिए प्याज हो गया है। इसमें टमाटर डाल दी, मैं टमाटर डाल दी, हमारे पास एक कटी हुई हरी मिर्च, शिमला मिर्च है थोड़ा सा, वो भी डाल देती हूँ। अब हमारा टमाटर भी गल गया है, अब इसमें मैं अंडे डाल रही हूँ। दो अंडे मैंने ली है, ये देखा, इसमें मैं अंडे डाल देती हूँ। अंडे फ्राई हो जाएगा, थोड़ा नमक, काली मिर्च और जीरा और रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ता है, एक चम्मच व्हाइट विनेगर, सिरका, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच पिज्जा सॉस। ऑफ कर दी अपना गैस को और इसको मिला लेना है अच्छे से और निकाल लेना है। इसमें ये मोजरेला चीज़ है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, देखो मोजरेला चीज़ इसमें मिला रही हूँ। अच्छे से मिला लेना है, इसमें भी डाल रही हूँ मोजरेला चीज़, इसको डाल के अच्छे से मिला लेना है। रख देती हूँ, ब्रेड के किनारे काट लेनी है चारों तरफ से, देखिए इस तरह से सबका काट लेना है। ये मैंने सारे किनारे काट लिया है ब्रेड का, देखिए इस तरह से ब्रेड हो गया। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट वाला भी ले सकते हैं, पर मैं ये ली हूँ ब्राउन वाला, ब्राउन ब्रेड है आटे वाला। और इसको अब ऐसे बेलना है, एक ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बनाने के लिए दो ब्रेड लगने हैं। तो देखिए ऐसे बेलना है इसको, पहले बेल लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने ले लिया है ब्रेड बेल के, इसको और किनारे से और पतला कर लेती हूँ। इसके ऊपर ये अंडे वाला डालूंगी मैं स्टफिंग, इस तरीके से। अंडे का स्टफिंग डाल दी, अब इस किनारे पे पानी लगाना है ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेना है ताकि हमारा ब्रेड चिपक रहे।
लास्ट को बेक होने के लिए मैं अपना ओवन में डालूंगी। हाँ डाली हूँ। दूसरा ये है हमारा, ये वेज वाला है, चिपकाना है। ये देखिए मैंने बेक के लिए मैं अब ये जा रही हूँ, इसके ऊपर मैं चीज़ लगा दिए, स्लाइस चीज़ है हमारा, इस तरीके से लगा देना है। थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा का पाउडर है हमारे पास, ये डाल दी। थोड़ा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, मैं माइक्रोवेव में ये डाल रही हूँ। मैं ये पैन में बनाऊंगी, ओवन में बन रहा है, इसके ओवन में बनने के लिए मैंने रख दिया है। अब पैन में कैसे बनाते हैं वो देखिए, पैन को हीट करेंगे। अभी तो फुल मैंने कर दिया है, ये हीट हो जाएगा, ये ढक दिया है, ये जब तब तक हीट हो रहा है। ये देखिए मेरा हीट हो गया है, बहुत ही गर्म हो गया, इसको मैं बंद कर दिया गैस, और मैं इस पे रख रही हूँ, अब इसको ढक दी। स्लो आंच पे, बिल्कुल कम आंच पे इसको पकाना है, जब तक मेल्ट ना हो जाए ये चीज़, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेगा। ये हो गया हमारा, अब इसे निकालना है। ये देखिए मेरा हो गया है, ये बेक हो गया है, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने ये गैस में इस पे पैन में बनाई हूँ, और ये भी बहुत ही अच्छा से मेल्ट हो गया है चीज़। ये देखिए काट के दिखा रही हूँ मैं आपको, तो आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं।